हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और दोपहर के अभी 3 बज रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप अब जा चुकी है आंगन से, वरना यहाँ तक पूरा धूप रहती है नल के पास। और यहाँ पे सम्राट और विराट दोनों मिल के कोई खेल खेल रहे हैं। अभी पता करते हैं कि कौन सा खेल है। क्यों सम्राट? ये पेट्रोल वाला। पेट्रोल वाला है? ये पेट्रोल का कौन सा खेल होता है? कैसे खेलते हो? पहले देखते जाओ कि कौन सा खेल है। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं। ये गाड़ी का वो जिसमें खोल के पेट्रोल डाला जाता है। अब पेट्रोल फिर पड़ेगा। पेट्रोल जब पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखो छोड़ो, गाड़ी कैसे निकलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कौन सा खेल चल रहा है यहाँ पर। पेट्रोल भरा जा रहा है, आप लोग भी भरवा लीजिए आकर के। रोज एक नए नए खेल निकलते हैं दोनों के। तो अभी दो एक बर्तन रखे थे, उनको धुलने जा रहे थे, तो मैंने एक बार फ्रिज खोल के देखा। कभी कभी होता है बाहर के बर्तन धुलते रहते हैं, फ्रिज में दो एक प्लेट पड़ी रह जाती हैं। तो वहाँ पर देखा तो लोटे में थोड़ा सा मट्ठा रखा था, तो उसको खाली कर लिया। ऐसे तो कोई नहीं पी रहा था क्योंकि बहुत खट्टा है। गर्मी में मट्ठा बहुत खट्टा हो जाता है जल्दी से ही, मतलब एक दो दिन रख दो ना तो वैसे ही खट्टा हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डाल के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के तब घोला था। और मैं सोच रही थी कि हम पी लें, थोड़ा सा पेट में ठंडा ठंडा जाएगा तो पेट को आराम मिलेगा। लेकिन सम्राट विराट कहने लगे कि मुझे चाहिए, तो फिर मैंने हाफ हाफ गिलास दोनों को दे दिया। और इस समय जितने भी कपड़े धुलती हूँ ना, सब यहीं पर डालते हैं पल्ली के नीचे। यहाँ पर आराम से सूख जाते हैं। और फिर ये है ना कि सूखने के बाद टेंशन नहीं रहती कि कपड़े सूख गए, धूप में पड़े, उनका कलर चला जाएगा। हम जैसी महिलाओं को, मतलब घर में रहने वाली जो हाउसवाइफ है ना, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की रहती है कि कपड़े धूप में पड़े हैं, उनको जल्दी उठा लें, नहीं कलर चला जाएगा। तो कपड़ों का काम रोज़ का रहता है, तो फिर यहीं पर डाल देते हैं ना, तो टेंशन फ्री रहते हैं। फिर जब टाइम मिलता है तब उठा लेते हैं। और ये देखिए नई साड़ी का कौन सा हाल है। मैंने दिखाया था ना ये वाली साड़ी आपको, तो नए से इसका बॉर्डर जो है एक जगह से खुला हुआ है। हमें लगता है यहाँ से ज्वाइंट था तो सिलाई निकल गई है। और अगर पहनोगे ना तो ये शायद सीधा आएगा आगे प्लेट पर, मतलब जो हम लोग शोल्डर के पास में फिट करते हैं ना, वहीं पर ये आएगा, तो बहुत बुरा लगता। तो यहाँ पे मम्मी अभी आई थी, कह रही थी अभी नई साड़ी इसमें क्या कर रही है। तो मैंने दिखाया कि यहाँ पर सिलाई थोड़ी सी निकली थी, तो मम्मी इसको छू रही थी, कह रही थी इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। कभी कभी होते हैं ना कुछ कपड़े, मतलब जॉर्जेट में भी बहुत सारे जॉर्जेट आते हैं, सिल्क में भी बहुत सारे सिल्क आते हैं। कुछ सिल्क होते हैं जो बहुत ज़्यादा खिसकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चुभते हैं, लेकिन इसका वाकई में बहुत अच्छा कपड़ा है। एक तो इसकी प्लेट बहुत अच्छी बनती है। तो अभी देखो लाइट चली गई, लाइट का तो पूरा दिन का यही है और सब जगह है, सब लोग बोल रहे हैं ज़्यादा गर्मी भैया, पसीना से दिमाग ख़राब है, थोड़ा सा काम कर लो। तो लगता है जैसे गर्मी सर चढ़ के बोल रही है। अरे काम बताओ भाई। कितने बज रहे होंगे सम्राट? 5:30 होंगे। अब जाके थोड़ी सी हवा कम हुई है। हवा क्या चलती है, लू चलती है एकदम गरम गरम। देखो हम कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। अरे भूत है। भूत को देख लोगे ना सूसू हो जाएगी। पार्टी जा रही है सब। बताया था ना कि मेरा लिप बाम खत्म हो गया है, ये लिप बाम आया देखो पेंसिल के जैसे। लिप बाम स्पेशल केयर फॉर ड्राई लिप्स। मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स हैं, बिना लिप बाम के मेरा काम नहीं चलता है। 2-3 दिन से ख़त्म हो गया था तो होंठ पटने लगे थे, तो ये लेके आए। अब ये परेशान कर रहे हैं पापा से अपने कि तुम सब मम्मी के लिए लाते हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते। इनको पता है कि ये लिखने वाला है, परेशान है इतनी जैसे लेने के लिए। पूछ तो सबसे, ये लिखने वाला नहीं है इस। अच्छा अभी तो मैंने खोल के दिखाया नहीं, आप लोगों को भी शंका होगा कि ये देखिए। और मैंने अभी अपने लिप पर अप्लाई कर रखा है, बिल्कुल हल्की हल्की शाइनिंग आ रही है। तो कह रहे थे देख लो, अगर अच्छा ना हो तो वापस करके फिर वही दोबारा से जो पहले ले आए थे, दोबारा से बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा पहले ट्राई तो करें, अभी तुरंत तो पता चलेगा कि नहीं कैसा है, ट्राई करके देखते हैं यूज़ करके। अच्छा होगा तो, नहीं अच्छा होगा तो भी यूज करेंगे। अगर ये वाला फिर अच्छा नहीं रहा तो अगली बार फिर वही पुराना वाला मंगाएंगे। सामान नहीं है बाबू, ये केवल कैप बना है इसका, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना है, जैसे लग रहा है बच्चों के लिए हो। हम लोग क्या बच्चे हैं क्या, जो बच्चों जैसा सामान बना के भेजते हैं ये कंपनी वाले बेकार में, बच्चे भी परेशान करते हैं। बाबू ये इसका कैप है, अगर ये हम दे देंगे। कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ पर।
तो यहाँ पर अभी मैं पानी डाल रही हूँ पौधों में। और पहले क्या था, जब प्लांट छोटे थे ना तो एक बाल्टी पानी में हो जाता था पूरे में, लेकिन अब पौधे बड़े हो रहे हैं और पौधों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है तो एक बाल्टी पानी में नहीं होता, मुझे दो बाल्टी पानी लगता है रोज़। एक बार ले आती हूँ फिर दोबारा जाती हूँ लाने के लिए। कल मेरे साथ ये भी पानी लेके आए थे तो कह रहे थे कि तुमने तो बहुत सारे पेड़ इकट्ठा कर लिए हैं, मतलब कभी ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा छत पर आते ही नहीं है। और शुरुआत में मैंने सिर्फ एलोवेरा का पेड़ लगाया था क्योंकि ये एक ऐसा पौधा ना जिसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लगा दो और पानी ना भी डालो ना तब भी वो पेड़ मतलब मरता नहीं है कभी, मैंने ये देखा है एलोवेरा के अंदर खासियत है किसी भी स्थिति में। और इस समय जब पानी डालने के लिए आते हैं ना तो पुदीने की जो पत्तियाँ निकली हैं उसमें से दो पत्ती पुदीने के लिए लेते हैं और दो पत्ती तुलसी के लिए लेते हैं, इनको खा लेते हैं ना, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसे तो खाते नहीं बनता, मतलब पुदीना थोड़ा सा हल्का सा तीखा लगता है तो तुलसी की पत्ती मिला लो ना तो उसके स्वाद से वो भी चला जाता है। और ये देखो अभी बेल लेके आए हैं, इसको तोड़ रहे हैं, मुझे बुला रहे थे कि आओ तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं, मैंने बताया ना आपको पेट से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है तो ये एक एक व्यवस्था में लगे हैं। कह रहे थे बेल का शरबत बहुत फ़ायदा करता है तो बेल का शरबत पियो तुम्हें अच्छा लगेगा और पेट के लिए भी फ़ायदा करेगा। और आज सब्जी में देखो मतलब इतना महंगा है नींबू कि इसके जब दर्शन मिलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान के दर्शन हो गए हैं। इनसे पूछ रहे थे कि कितने का मिलता है एक नींबू, तो कह रहे थे 10 रुपये का एक नींबू मिलता है। तो इसी नींबू के संदर्भ में कल हमारी व्हाट्सएप पर एक चैटिंग चल रही थी, मेरी सहेली है मतलब बहन भी कह सकते हो सहेली भी कह सकते हो, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ सब्जी में गलती से अगर नींबू आ जाए तो तुम क्या करो, आरती उतारोगे कि पूजा करोगे उसकी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं उसको सीधा काट के निचोड़ के पी जाऊँगी। बहुत मज़ा आ रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि नींबू के दाम इतने ज़्यादा बढ़े, वरना मेरी जानकारी में मेरी समझ मतलब जब से मैं समझदार हूँ नींबू के इतने ज़्यादा दाम नहीं बढ़े थे। तो ये पूरा बेल फोड़े हैं, फोड़ के पूरा चम्मच से देखिए इसका पूरा जो अंदर का गूदा होता है निकाल लिए हैं, इसको डाल देंगे मिक्सी में। और इसमें अभी मुझे क्या क्या डालना है, थोड़ी सी आइस डालेंगे, चीनी डालेंगे और नींबू जो रखा है ना उसको भी इसी में डाल देंगे, थोड़ा सा खट्टे मीठे का टेस्ट आएगा तो और भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा काला नमक भी डालते हैं बहुत लोग, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं डालेंगे। अगर आपके यहाँ पका कटहल रखा हो, पका बेल रखा हो ना, तो आप चोरी नहीं कर सकते हो, इसकी सुगंध जो है ना बहुत तेज़ होती है, मतलब बहुत दूर तक जाती है। तो मेरे मायके में ना हमेशा तोड़वा के एक साथ पूरा रख लिया जाता है क्योंकि इसका शरबत घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर इसको सोचो कि पेड़ में पके तब तोड़वाएं ना तो पता लगता मिलता ही नहीं, सब तोड़ ले जाते हैं, तो पहले से तोड़वा के उसी टाइम में रख लिया जाता है, तो धीरे धीरे करके ये पकते रहते हैं, फिर पूरी गर्मी आराम रहता है, आराम से शरबत बनाओ पी लो, बाहर किसी जूस की किसी कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी ये प्रसाद लेके आए थे, किसी ने प्रसाद बांटा था बाहर तो प्रसाद लेके आए थे, तो कह रहे थे खा लो इसको रखें कहाँ, क्योंकि थोड़ा सा सामान अगर मीठा इधर उधर रख दो तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों ने प्रसाद ले लिया है। तो अभी हम उसको रख आए हैं क्योंकि दिया जलाने का टाइम हो गया था, तो ये कह रहे थे कि तुम दिया जलाओ, हम इसको अभी सर्व कर रहे हैं गिलास में, तो वो उधर लगे हैं, मैं दिया जला लूँगी। तो बेल का शरबत मिक्सी में चलाने के बाद में इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बेल में छोटे छोटे बीज होते हैं और एक मतलब पतला पतला जाला टाइप में होता है, वो पीते समय फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, मतलब कड़वा कड़वा लगता है। तो ये सारा काम मेरे पति देव ने किया था, इसको छाना था गिलास में और इसके बाद ये ऊपर से तुलसी की पत्ती डाल दिए, डेकोरेट कर दिए, अच्छा लग रहा है देखने में। तो बस एक एक गिलास तैयार है सबके लिए, आप लोग भी आ जाइए ठंडा ठंडा। और सम्राट विराट और मम्मी ये सब लोग जा रहे हैं निमंत्रण में, सम्राट सिंह हो गए हैं तैयार, क्यों कह रहे थे मम्मी बस हो गया हमारा, क्यों तैयार करो मुझे तो बस कर दो, बस बाल झाड़ दो, पाउडर लगा दो, कपड़े तुम ही लोग हो यार, सबसे अच्छे तुम ही लोग हो, हम लोगों का तो बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ता है कहीं ना, हम तो तैयार हो जाते हैं, हम तो परेशान लगते हैं कितनी देर हो जाएगी मम्मी चलेंगी नहीं, लड़कियों को औरतों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है यार, वही तो बता रहा हूँ, तुम लोगों का सबसे अच्छा टी शर्ट पहनो, चड्डा पहनो, बाल बनाओ, बस हो गया, हम लोगों का सोचते रह जाओ, मैचिंग पहनो, चूड़ी पहनो, ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं, जा रहे हो हाँ ठीक है जाओ, चलो हम तब तक बिस्तर, बाय। जब शादी का सीजन शुरू होता है तो फिर बहुत आराम रहता है, आए दिन निमंत्रण रहते हैं, कभी कभी पूरे घर का रहता है, कभी कभी सिर्फ इनका रहता है, तो आज पूरे घर का निमंत्रण था, मम्मी गई हैं, बच्चे गए हैं, ये भी गए हैं, मेरे लिए खाना रखा है तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है,
अभी चलूंगी मैं, पहले खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर सीधा काम करेंगे अपना मोबाइल का। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, आप सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।